सब क्या कहेंगे आने वाले चुनाव में, कितने यहाँ पर मनसे के उम्मीदवार खड़े हुए हैं और क्या पोजीशन है? क्या इस विधानसभा क्षेत्र चेंबूर में टोटल सब मिला के 5 प्रभाग है और 5 में हमारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं। रह गई बात क्या परिस्थिति है, जब इलेक्शन आता है तो अपक्ष भी बोलता है कि मैं जीत गया जाऊँगा, तो मेरी तो इतनी बड़ी पार्टी है जिस पार्टी के 13 एमएलए रह चुके हैं, आज भी हमारे 27 नगर सेवक है, एक शॉर्ट टिकट में तो 5 सीट पे मेरे नगर से जीत गया जाऊँगा। सर, हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की क्या मुख्य समस्या है, क्या मुद्दे लेकर उतरेंगे उम्मीदवार मैदान में? यहाँ जो नगर सेवक रह चुके हैं, क्या उन्होंने काम नहीं किया बाकी रहेगा अच्छा रहेगा या काम ही नहीं किया, क्या है? मैं हवा में बात नहीं करता, किसी ने काम नहीं किया, किसी ने काम किया, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। हम लोग अच्छा रोड देंगे। आज मुंबई में सबसे और चेंबूर में सबसे जो गंदी समस्या है वो ट्रैफिक। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केमिकल हब, पेट्रोलियम हब, एक जगह में 2 रिफाइनरी रहने वाला एक शहर है, वो है मुंबई। कोई भी शहर में, किसी भी सिटी में 2 रिफाइनरीज नहीं है और मुंबई एक ऐसा शहर है जिसके अंदर 2 रिफाइनरीज है। उसी को लग के एक RCF का बड़ा खाद का कारखाना है, फर्टिलाइजर। सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया का जिस एटॉमिक सेंटर के ऊपर गर्व है हिंदुस्तान के लिए, वो एटॉमिक सेंटर भी अपने चेंबूर में है। और टाटा का सबसे बड़ा बिजली घर जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस हो जाती है, की जाती है, वो पावर प्लांट भी चेंबूर में है। और छोटे छोटे प्लांट AGS स्टैंडर्ड रन्स, ऐसे तो अगिनत फैक्ट्रीज है। इतना बड़ा हब है, डेली के मूवमेंट ऑफ यहाँ पर हेवी व्हीकल्स का वो मिनिमम मेरे अंदाज से 12,000 से 20,000 ट्रक्स का है चेंबूर में, ओनली फॉर पेट्रोलियम केमिकल सेक्टर के लिए। वहाँ पर इंडस्ट्रीज की तोड़फोड़ की कामें रहती है, जॉब्स रहते हैं, बनाना बिगाड़ना तोड़ना बनाना, तो वो मटेरियल आना ले जाना, वो व्हीकल अलग से, तो इतना मेस है यहाँ पर ट्रैफिक का। मैं मेरे नगर सेवकों के फंड से और महापालिका में ये रोड वाइडनिंग का सबसे बड़ा काम मैं करूँगा, जिसकी वजह से इस शहर में, इस सिटी में, इस चेंबूर विभाग में लोग मोटरसाइकिल और गाड़ियों के नीचे जाने से बहुत बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य ये हो कि मेरा कोई भी भाई, मेरा कोई भी बहन, मेरी कोई भी बच्चा उस एक्सीडेंट में हताहत ना हो। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ स्लम एरिया भी बहुत है, अभी भी वहाँ पानी की समस्या है, जिंदगी है, काफ़ी समस्या हमने लोगों से बात की थी, उसके लिए क्या कोई प्लान होगा या क्या लगता है क्या वो दूर किया जा सकता है ये समस्या? 100% इस दुनिया में नामुमकिन ऐसी कोई सी चीज़ है? कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में, नहीं दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो नामुमकिन है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का विभाग अध्यक्ष बन के मेरी जवाबदारी है, ये मेरा फर्ज है। जैसे हमने अभी एम्बुलेंस सेवा की है, हम लोग फ्री मुफ्त की एम्बुलेंस सेवा दे रहे हैं चेंबूर के लोगों को। हम लोग ये कोशिश करेंगे वो लाल नंबर हो, हमारा सुमन नगर हो, समर्थ नगर हो, अशोक नगर हो, सम्राट अशोक नगर हो, हमारा कोकण नगर हो, विजय नगर हो, खड़ी मशीन हो, शाहजी नगर हो, माहौल हो, वाशी गाँव हो, ये सब जगह पे जहाँ जहाँ पर पानी की दुर्व्यवस्था है, हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पर 24 घंटे पानी मिले, क्योंकि मुंबई में पानी भरपूर है, पानी की कभी भी कमी नहीं है, लेकिन हमारे लोगों ने उस तरफ अभी ध्यान दिया है। और ये तो केमिकल सेक्टर, ये तो फैक्ट्री का सेक्टर है, यहाँ तो पानी चाहिए चाहिए, बड़ी बड़ी लाइन है। सिर्फ उस पार्षद का, नगर सेवक का विचार होना चाहिए कि मेरी हाथ से लोगों की सेवा होनी चाहिए। इधर लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, मुझे उस मामले में जाना भी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैं ये बोलता हूँ, जब
मेरा नगर सेवक होगा, पक्का होगा, और मैं प्रूफ करके दूंगा मुंबई में सबसे ज्यादा काम करने वाला नगर सेवक चेंबूर में मनन सिंह का ही होगा, अच्छा काम करने वाला, वो भी लोगों की सेवा करने वाला। हाँ, चेंबूर की और एक समस्या है, जो मामला तो केंद्र से जुड़ा है लेकिन वो भी एक समस्या है कि यहाँ पे जो MH बिल्डिंग्स है वो पहले जो शरणार्थी यहाँ पे तबके हैं उनकी अभी भी समस्या जो सॉल्व नहीं हो रही, क्या उसके लिए कदम उठाया जाएगा, क्या प्रयास किया जाएगा आपकी तरफ से? सर बहुत इच्छा है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे माफ़ कर देना, कुछ लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, मैं SRA, मैं पर्सनली SRA ऑफ रीडेवलपमेंट इस मछमत से थोड़ा दूर रहता हूँ, ये लोगों का नुकसान करने वाला काम है, कुछ लोग अपने फायदे के लिए पात्र घर को अपात्र कर देते दादा, वो अपने ब्लड में नहीं है, इसीलिए SRA स्कीम से मैं दूर रहा हूँ हमेशा, और जहाँ तक मेरी कोशिश हुई वो कोई भी हो अगर मेरे पास आया तो मैं उस कमेटी को बोलता हूँ भैया ऐसा मत करो प्लीज़, उनको इन्वॉल्व कर देना, ठीक है, वाद विवाद तो होनी चाहिए, वाद वैचारिक वाद होने, वो तुम सिर्फ मारामारी तो नहीं कर रहा है, तो आप इतनी दुश्मनी नहीं कर रहे कि नहीं उससे फॉर्म ही नहीं बन रहे, तो इस तरह का आए हैं। मेरा ये कहना है कि किसी को बीच में ना डालते हुए आज महाराष्ट्र शासन ने ये जवाबदारी लेनी चाहिए कि मारा के मार्फत उन लोगों को अच्छे और स्वच्छ घर बना के इन लोगों की सेवा और उनकी फ्यूचर लाइफ अच्छी हो, वो हिसाब से अच्छे घर बननी चाहिए इस बिल्डिंग में। हाँ सर, आखिरी सवाल है, मन से का पहले से एजेंडा रहा है उत्तर भारतीय ऊपर हमला करना, ऐसे माना जाता है, तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, क्या कहेंगे आप चुनाव का माहौल? गलत है, मुझे मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये गलत है, उत्तर भारतीयों के ऊपर मन से ने अटैक किया ये बोलना गलत है, उत्तर भारतीय ने जो इधर के मराठी बच्चों की नौकरी छीनने आए, सुनिए मेरे वर्ड्स, जो राज ठाकरे साहब बोले तो आने वाले कौन है, तो उत्तर भारत नहीं है अकेला, यूपी नहीं होता है, बिहारी है, झारखंड भी है, समझ गए, MP के भी कुछ लोग, तो ये लोग सब उत्तर भारत होता है पूरा। सर मैं एक बार आपको बोल रहा हूं, मेरे घर में रहने वाला मेरा भाई जो पला पड़ा यहां पर, लेकिन वो कर्म से उत्तर प्रदेश का है, कर्म से बिहार का, लेकिन 25-50 साल से इधर है, हम उसके खिलाफ इधर तो नहीं, वो इधर पले बड़े आराम से नौकरी करे, बिजनेस करे, कमावे खावे, हम लोग के साथ अच्छे से रहे, हम लोग उनके साथ में अच्छे से रहते, लेकिन वहां से आएंगे यहाँ नौकरियों का पूरा 12 बजे देंगे, सिंपल लॉजिक है सर, हर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में चार जोन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो भाई नॉर्थ वाले ईस्ट में क्यों आ रहे हैं, वेस्ट में क्यों आ रहे हैं, जितनी नौकरियां इधर बहाल की गई है उतनी ही जगह उधर भी बहाल है, अगर 200 नौकरियां तो 400 में 50-50 बहाल की गई है, तो आप इधर क्यों आ रहे हैं, इधर के बच्चे कहां जाएंगे, हम लोग उधर आ रहे हैं क्या, तो नहीं, तो हमारे बच्चों की नौकरी के ऊपर कोई भी आएगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कोई भी हालत में फिर आप बोल रहे मार रहे झाड़ रहे, हम लोग मारते नहीं है, हम लोग ठोकते हैं ऐसा ठोकते हैं कि मुंबई भूल जाता है इस तरह का, क्यों, अगर मेरे इधर रहने वाला हमारा सोनू यूपी से बिलोंग करता है, कर्म से पैदा शिवाजी नगर में हुआ, चेंबूर में हुआ, मुस्लिम है, तो क्या हम उसके बाजू करें, पैंट का धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जींस पैंट बनाता है, बेचता है, सामने है ना आपके सामने, मुश्ताक है, पला बड़ा यहां से, रंजीत बींद है, यूपी से बिलोंग करता है, फोर फादर इधर है, उसके आजोबा भी इधर है, आजोबा मतलब ग्रैंड फादर, वो भी यहां से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं है, हम लोग उनके खिलाफ है जो उधर का पेपर में एड भेजते हैं, कुछ गलत एलिमेंट्स जो बैठे हैं केंद्र सरकार के कुछ डिपार्टमेंट में, वो उधर के पेपर में ऐड देते हैं, और उसके बाद उस ऐड को देख के वो गरीब बच्चे इधर आते हैं और हमारे बच्चों की नौकरियां खा जाते हैं, तो हम लोग की इतनी रिक्वेस्ट है कि उधर के बच्चों को बोला भाई तुम उधर ही रहो, हम लोग अपना इधर करेंगे, हम लोग इधर अपना घूमने गोविना बोलना है आम्ही राहू, आम्हाला त्रास देऊ नका, आमचा त्रास घेऊ नका, आणि आमच्या मुलांच्या जर नौकऱ्या खाण्याचा कोणी प्रयत्न केला आम्ही धरून ठोकणारच, सोडणार नाही।